नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडी, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। क्या मुसलमान महंगाई बढ़ाता है? आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, तो हम कहेंगे ये बकवास नहीं है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का बयान है। जब उनसे पूछा गया कि असम में महंगाई क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मियां भाई की वजह से है। पहले आप ये बयान सुनिए जरा। आज आजमले इटिकिंग हल সেইটো আপোনালোকে প্রশ্ন করাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব, মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব। আৰু অসমীয়া লৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজুৰি লব লাগিব, কাজিয়া কৰি নহয়, প্ৰতিযোগিতাৰে। 200 জন ড্রাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ, উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ। ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান সবজি বেপাৰ আছে আমি ব্যাপাৰ কৰিব পাৰো। এতিয়া আপোনালোকে সবজি দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে, সাধাৰণ কি হৈছে? মিয়া ব্যাপাৰীবিলাকে ইয়াতো দামটো বেছি লৈ আছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলো, গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম, অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক। শুনা আপনে, মিয়া লোক মহংগাই বঢ়া ৰহে। আসাম কে সিএম কো এক উপনাম ভি মিলা হে, হিন্দুত্ব কে নয়ে পোস্টার বয়। अभी बीजेपी में है, इससे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अब इनके बयान को ध्यान से सुने तो उसमें कुछ बातें प्रमुख हैं। अब आपके सामने वो बातें हम रख देते हैं। उनके बयान में तीन चीजें की बात अगर जिक्र करें, तीन वर्ड्स खास तौर पर, महंगाई आपने सुना होगा, साथ ही साथ आड़ती आपने सुना होगा, और आपने सुना है मुसलमान। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका ये बयान जो इनकी तरफ से दिया गया है, और इसमें इन्होंने तीनों ही बातों का जिक्र किया है। महंगाई पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में आड़ती कहा, मुसलमान कहा। तो सवाल ये है कि क्या मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनके बयान से तो कुछ इसी तरीके से लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सवाल इसी तरीके से उठाए, कहा है, सवाल उठता है कि महंगाई से मुसलमान का रिश्ता कैसे जुड़ता है या कैसे जोड़ा जा सकता है, या हिमंता बिस्व शर्मा किस इकोनॉमिक्स के आधार पर ये बात कह रहे हैं। तो यहां मैं आपको एक सप्लाई चेन के बारे में ही जल्दी से बता देती हूं। किसान फसल पैदा करता है, फसल लेकर वो मंडी में आता है, मंडी में वो खुद भी बेचता है, और अगर माल ज्यादा है तो उसे बाजार में बैठे आढ़तियों को बेच देता है। आढ़ती फसल जमा करते हैं, इसे आगे होलसेल को बेच देते हैं, होलसेल वाले इसे रिटेल को बेच देते हैं, और रिटेल से ये ग्राहक के पास पहुंचता है। मतलब किसी प्रोजेक्ट के किसान से अंतिम ग्राहक तक पहुंचने के दौरान बीच में जितने भी लोग आते हैं वो उत्पाद में अपनी लागत और मुनाफा जोड़ते जाते हैं। नतीजा, किसान जिस चीज को 1 रुपए में बेचता है वो ग्राहक के पास 10 रुपए में पहुंचती है। अब ये जो 1 रुपए से 10 रुपए तक का फर्क होता है वही चीज को महंगा कर देता है, और इसी पर आज हम बात भी करने वाले हैं, बहस भी करने वाले हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले इस बीच आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सप्लाई चेन में ज्यादा प्लेयर्स का होना भी पॉलिसी लेवल डेफिशिएंसी है। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि किसका किसान के उत्पाद और ग्राहक के बीच लोगों को कम से कम करे, क्योंकि सप्लाई चेन में जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे दाम उतने ही बढ़ेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि महंगाई कैसे रुकेगी, किसान उत्पाद और ग्राहक के बीच कम से कम लोग होंगे तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा, महंगाई को रोका जा सकेगा। तो सरकार की कमजोरी और इस पर टारगेट पर कौन है, मुसलमान, उन्हीं पर निशाना साधा जा रहा है। इस पर पूरा सच जानने की कोशिश आज हम अड़ी में करेंगे।